असलम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली क्या हाल चाल है आप सबका मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्लाका शुक्र है एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग वेलकम टू अनदर वीडियो आज की जो वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड टू आ डी ए वाई विच आई हैव रिसेंटली डन एंड आई एम सुपर हैप्पी विद दिस डी ए व आई ऑफ माइंड और ये मेरा वन ऑफ द वेरी बिग प्रोजेक्ट्स है यू गैस कैन सी अ कॉफ़ी टेबल विच इज़ अ रतन कॉफ़ी टेबल इन दिस वीडियो एंड इफ आई विल टेल यू गाइज दैट आई हैव मेड दिस टेबल यू बिलीव इट येस बट इन दिस वीडियो आई विल बी शोइंग द कम्प्लीट डिटेल्स ऑफ हाउ आई डिड इट so that you guys can also upgrade your coffee tables because rattan is completely in fashion these days or uh बहुत ज़्यादा इन है ये मटेरियल आजकल सो सो आइए स्टार्ट करते हैं एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये कॉफ़ी टेबल जो है मैंने देखी थी एक फर्नीचर uh, शॉप पे एंड इट वाज़ फॉर सेवन हंड्रेड डॉलर्स और मैंने अपनी ये पुरानी कॉफ़ी टेबल को सिर्फ फिफ्टी डॉलर्स में कम्प्लीटली न्यू लुक दे दिया है और uh, आप लोग वीडियो में देख सकेंगे कि बिफोर और आफ्टर का आपको आराम uh, से अंदाज़ा हो जाएगा एंड देन यू गैस कैन टेल कि मैंने um, कैसी बनाई है और हाउ गुड आई वॉज एट मेकिंग दिस सो लेट्स गेट स्टार्टड So, Janab, this is the original table which was in oak color. Uh, I got this uh, coffee table from Kmart for I think around 50 or $60 two years back. Because it was going with my furniture and everything. But now, as a rattan is in fashion and I just wanted to upgrade this coffee table of mine, I thought that rather than buying a new coffee table, let's

Two basic things, and then uh, we will be needing a black spray paint for this project. So, yeah, let's get started.

थिंगस ये दो मैं इकट्ठे जो हैं इनको काटूँगी आई जस्ट गॉट द हैंड सॉ एंड इट वॉज नॉट दैट डिफ़िकल्ट बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू स्पेंड टू मच मनी ऑन बाइंग एंड एलेक्ट्रॉनिक सॉ सो आई जस्ट गॉट दिस वन फॉर ट्वेंटी डॉलर्स फ्राम बनिंगस और ये मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में भी काम आती रहेगी सो लेट्स कट द वड सो गाइज दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग नाओ मैंने रफली रख के इसको देख लिया है कि सारी ये बराबर हैं एंड uh, में मेरी एक छो थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी आई थिंक बिकॉज इट गॉट श्रंक बिकॉज ऑफ द पेंट सो इट आई वुड रिकमेंड यू गाइज दैट थोड़ा सा इसको आप एक्स्ट्रा काट लें टू टू थ्री सेंटीमीटर्स एंड या अच्छा जी नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द टेबल टॉप पहले मैंने सोचा था कि मैं इसी के ऊपर डायरेक्ट डॉन मटेरियल uh, अटैच कर दूं बट देन इट वाज नॉट लुकिंग दैट गुड सो आई जस्ट वांटेड टू गिव इट काइंड ऑफ अ पॉप और वो पॉप जो है वो ब्लैक के साथ ही पॉसिबल था सो आई डिसाइडेड टू पेंट द टेबल टॉप इन ब्लैक एज़ वेल आई गोर अ स्प्रे पेंट फ्रॉम सुपर चीप और इट्स इट वॉज़ वेरी चीप वन बॉटल डिट कॉस्ट मी फाइव डॉलर्स एंड आई यूज टू बॉटल्स टेबल टॉप हमारा जो है वो पेंट हो गया एंड देन आई पेंटिड द वुड फ्रेम्स एज वेल Because again, I wanted to pop them out uh, here. You can see that everything has been painted now. Let's move towards the rattan material. So, these are the three uh, sheets which I got. You guys can take a screenshot if you want. It's called cane webbing roll, and the measurement is written on it. Um, I just used three of them uh, for the rattan material. We need to soak it before we use it. I saw these tips on. सम ऑफ द यूट्यूब वीडियोज़ बिकॉज अगर हम डायरेक्ट इसको रटान मटीरियल को अटैच करते हैं uh, तो वो बाद में लूज हो जाता है सो so इसको हमने पहले uh, पानी में सोख करना है इट विल एबजॉर्ब वाटर एंड दैन इट विल स्वेल एंड दैन वेन वी विल जस्ट अटैच इट आफ्टर गेटिंग ड्राई इट विल श्रिंक एंड इट विल गिव दैट टाइट फिनिश एंड लुक Uh, to your table so this is uh, it has been soaked for two hours uh, you can soak it for maximum like 45 minutes as well but two hours uh, I would recommend here you can see uh, it's all ready to get attached on this table top and look at that it's looking gorgeous on black table top raha ra tha now i am going to use my staple gun and i will staple this material with the uh, table isko tightly aapne uh, stretch karna hai make sure uh, if two people can do it that would be great but i did not have any helping hand so i had to do it all by myself it was a bit difficult but uh, yeah that's fine i did it अच्छा जी ऑल द रटान मटीरियल हैज़ बीन अटैच एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू टू काइंड ऑफ पिन विच आई विल बी यूजिंग टू अटैच एवरी थिंग सो द पिन विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आर द स्टेपल पिनस इन स्टेपल पिनस को नेल गन में यूज़ करके मैंने जो है रटान को साइड से अटैच किया है और अब जो दूसरी टाइप की मैं पिन आपको दिखा रही हूँ वो बेसिकली नेल्स हैं एंड दे आर लाइक टी शेप नेल्स

अच्छा जी यू गज नीड टू मेक श्योर कि ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल साइड से लटक रहा होगा इसको अपने साथ साथ काटते रहना है ताकि आपके जो फ्रेम्स हैं वो नीटली अटैच हों और इस तरीके से मैंने सारे चारों तरफ से फ्रेम्स अटैच कर लिए हैं अब ये जो वाइट कलर के नेल्स नज़र आ रहे हैं या जो भी स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं आई एम गोइंग टू टेक सम एक्रेलिक पेंट इन ब्लैक कलर एंड अ स्मॉल ब्रश और इनको मैं uh, फ़ाइनल टचेस दूंगी और ये पूरी फिनिशिंग ऐड हो जाएगी ये ड्राई होने के बाद बिल्कुल भी डिफरेंट ऊपर से नज़र नहीं आएगा वरना अदरवाइज नील्स नजर आएंगे तो वो नीट नहीं लगेगा अच्छा जी हमारा टेबल टॉप तैयार हो चुका है यू गैस कैन सी के ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अब हम इसको दोबारा अटैच करेंगे इसकी लेग्स के साथ एंड येस आई डि नॉट पेंट इट फ्रॉम द बॉटम बिकॉज आई डि नॉट वॉन्ट टू वेस्ट माई पेंट बिकॉज नो बडी इज़ गोइंग टू सी माई टेबल फ्राम अंडरनीथ येस बट इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम Extra money, and uh, you guys want to paint the bottom as well? You can go ahead, but I didn't want to do it, so I did not. Now, let's uh, fix the legs, and then da -da -da, our table will be ready to style. So guys this is how my new uh, coffee table is looking it's a completely new table and trust me i got so happy after looking at the final result and i cannot even believe that that i made this table and it took me 4 to 5 hours uh, but yeah it was so worth it it was so 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 good to see uh, one of my creations not from the scratch but बट या इट मेड मी सो हैप्पी एंड आइए अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको स्टाइल कैसे किया है सो so ये इसका फाइनल लुक है और ये इस तरीके से लग रहा है मैंने एक साइड पे आ, थोड़ी सी बुक्स और एक प्लांट ऐड कर दिया है और एक साइड पे आ, जो है वो ट्रे ऐड किया है ये जो है ये भी मेरा डी है जो कि मैंने खुद बनाया है एक ट्रैश में से एक चॉकलेट बॉक्स निकाल के आ, मेरे घर में जो पड़ा हुआ था आ, इसका ट्यूटोरियल आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा आई होप सो कि आपको भी ये कॉफ़ी टेबल का छोटा सा डी ज़रूर पसंद आया होगा एंड आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि वो भी अपना कॉफ़ी टेबल जो है वो अपग्रेड कर सकें बहुत ही कम कीमत में एंड तो कम टाइम में भी और इसको क्रिएट करने का अपना ही मजा है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डो नॉट फॉर गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर डी आई वाई वीडियोज़ एंड मोर होम स्टाइलिंग आइडियाज़ एंड मोर रेसिपीज एंड सो मच मोर एंड गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड थैंक यू सो मच अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा हाफिज़